कैस्केड एरिएटर, यहाँ पे सबसे पहले पानी WDP में आता है तो इसके थ्रू आता है, यहाँ से पानी सबसे पहले आएगा और ये है इसकी ट्रेस, यहाँ से इसकी ऑर्डर रिलीज़ होगी और उसके बाद इसमें जो आयरन है और मैग्नीशियम है तो उसमें वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एयर के कॉन्टेक्ट में आके। तो ये हो गई इसकी दोस्तों इसकी वर्किंग, एंड मैं आज आपको पूरा इसका प्रोसेस समझाता हूँ। कर दें पहले कंपोनेंट की कैस्केड एरिएटर, इसमें एयर मिल जाती है पानी में तो उससे क्या होता है जो अपना आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। आयरन क्या करता है कि अपना जो पाइप होता है DI पाइप तो उसमें आयरन से रिएक्ट करके रस्टिंग बना देता है, इसलिए अपन को आयरन को ऑक्सीडाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसका एक पर्पस और है, रिड्यूस द डिसॉल्व गैसेस लाइक ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स को भी रिड्यूस करता है। यहाँ इसी चैनल के थ्रू ये पानी फिर फ्लैश मिक्सचर में जाएगा, दो फ्लैश मिक्सचर हैं, एक ये है और एक ये रहा, तो यहाँ ये दोनों पे जाएगा फ्लैश मिक्सचर पे पानी, फ्लैश मिक्सचर है यहाँ पे दो, उनके बीच में ये चैनल दी गई है, ये बाईपास चैनल है कि इन केस कभी कुछ इमरजेंसी आती है या रिपेयरिंग कुछ वर्क चल रहा हो इन केस आपका मेंटेनेंस का, तो यहाँ से डायरेक्ट ये पानी बाईपास हो, फिर यहाँ से ये चैनल से इसमें फ्लैश मिक्सचर से होता हुआ इधर पे मिक्सिंग होगी एलम की। फ्लैश मिक्सचर होता क्या है, ये एलम डोजिंग, इसमें एलम की डोजिंग होती है 30 से, इसमें इतना क्विकली होता है 30 सेकंड में पूरा मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उधर से अपन कैस्केड रेडिएटर से पानी आता है और फ्लैश मिक्सचर में अपन एलम डोजिंग करते जाते हैं, जितना भी अपन को PPM हो की ज़रूरत हो, पानी के ऊपर डिपेंड करता है कितने PPM की ज़रूरत है। तो ये जो सिल्ट होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एलम, उन सब के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देता है, आगे की प्रोसेस में बताऊंगा मैं कि कवरिंग क्यों चढ़ाता है, वो कवरिंग चढ़ा देता है बस, इसका इतना प्रोसेस है और इसके बाद अपना पानी आ जाता है CLF। इसमें निकलेगा पानी, इसमें निकलने के नीचे जो सेंट्रल शाफ्ट दिख रही है उसकी, ये जो मिड पे दिख रही है ये वाली, ये जो मिड पे है इधर सेंट्रल शाफ्ट पे पानी निकलेगा और यहाँ से फिर पूरा फ्लो पानी भरेगा, फिर उसमें कोआगुलेशन फ्लॉकुलेशन का प्रोसेस होगा, एंड देन आपका ये जो चैनल दिख रहा है साइड में, ये चैनल यहाँ पे पानी आएगा, फ्लॉकुलेशन भी होता है और क्लैरिफिकेशन भी होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। टू कॉन्सेंट्रिक टैंक होते हैं, इसमें इनर टैंक होता है और आउटर टैंक होता है। इनर टैंक में अपना फ्लॉकुलेशन बेसिन होता कहलाता है वो, और आउटर टैंक में होता है अपना क्लैरिफायर, जो अपना सिल्ट जमा होगी मेनली वो होगी इनर टैंक में और वो पूरी की पूरी इकट्ठा होके बिल्कुल सेंटर में नीचे बेस में सेटल डाउन हो जाएगी हैवी पार्टिकल्स। और अपन मैंने ये आपको बताया था फ्लैश मिक्सचर में एलम चारों तरफ सिल्ट को और स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कवर कर लेती है, तो उसकी वजह से होता क्या है, वो हर पार्टिकल एक दूसरे में चिपकता जाता है, कोआगुलेशन और फ्लॉकुलेशन होने लगता है, एक दूसरे में चिपकता जाता है तो वो भारी हो जाता है, भारी होने के बाद वो नीचे इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाती है, और इम्प्योरिटी जब सेटल डाउन हो गई तो ऊपर का पानी अपना साफ़ होता चला जाता है। तो ये जो आउटर टैंक सर्व कर रहा है ये क्लैरिफायर, और इधर से जो ऊपर के चैनल फ्लो से इसका पानी अपने फिल्टर गैलरी में जाने लगता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में फिल्टर बेड में जाएगा, तो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और इसका डिटेंशन टाइम होता है 30 मिनट, इसमें अपन को पानी को रोक के रखना पड़ता है। ये जो दोस्तों ये छेद दिख रहा है, ये पानी इसमें से रॉ वाटर यहाँ से एंटर करेगा, और फिर आपका यहाँ से एंटर करने के बाद ये जो ग्लट वॉल्व से ओवरफ्लो होके आपका फिल्टर बेड पे पानी गिरेगा, जो आपका फिल्टर मीडिया भरा है ग्रेवल्स एंड आपका सैंड फिल्टर, तो यहाँ से उस पर गिरेगा और नीचे परफोरेटेड पाइप लगे हुए हैं तो उसके थ्रू ये पानी यहाँ पे आएगा। ये यहाँ से जो दोस्तों पानी आएगा वो ये जो आपको DI का पाइप दिख रहा है वो नीचे ये पाइप, इनमें से पानी निकल के आएगा आपका, फिर आपका इधर से होता हुआ इसमें आएगा, इस चेम्बर में, इस चेम्बर से पानी ये क्लियर वाटर चैनल में आएगा, क्लियर वाटर चैनल से ये हर फिल्टर बेड का एक 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 अपना चेम्बर बना हुआ है, इससे निकलता हुआ यहाँ से ये पानी इधर जाएगा, ये किसी पानी फिर यहाँ से सीधा ऐसा जाएगा आपका उधर सम्प में।
आपका पूरा क्लोरीनेशन रूम है, तो क्लोरीनेशन रूम फिर उसका क्लोरीनेशन होगा एंड उसमें ग्रेवल सबसे नीचे डाला जाता है ग्रेवल, उसकी अपनी डेप्थ जो थी 0.50 मीटर। उसके बाद आता है सैंड बेड, सैंड सबसे ज़्यादा डाली जाती है, वो है 0.75 मीटर। वाटर ओवर सैंड 1.30 मीटर, फ्री बोर्ड रहता है 0.50 मीटर। तो इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी इम्प्योरिटीज़ आपकी क्लैरी फ्लॉकुलेटर से बच गई है वो अपनी यहाँ पे अगर आती है चैनल के थ्रू पानी में, तो ऊपर सैंड रहती है, तो सैंड में जो भी ऊपर पानी में इम्प्योरिटीज़ रहती है ऊपर सेटल डाउन होती चली जाती, नीचे अपन को प्योर वाटर मिलता है। बिल्कुल प्योर वाटर वो अपन की गैलरी के में जाता है, क्लियर वाटर चैनल में। क्लियर वाटर चैनल में जाने के बाद उसका फिर अपन को क्लोरीनेशन करना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का पर्पस क्या होता है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर एंड किलिंग ऑफ जर्म्स। अपन जर्म्स को पानी से कभी निकाल नहीं सकते, उनको उसी में किल करना पड़ता है या उनको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है कि ये अगर ह्यूमन बॉडी में जाए तो ये रिएक्ट ना करे कि भाई मतलब सीरियस प्रॉब्लम्स और डिजीजेज ना क्रिएट हों। इस वजह से अपन उसको डिसइंफेक्टेड कर देते हैं या किल कर देते हैं। तो क्लोरीनेशन इस गैस के फॉर्म में आता है, ये क्लोरीन टर्नर कहलाते हैं। इसमें दो उसमें आते हैं, सोडियम हाइपोक्लोरेट सॉल्यूशन और सोडियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये दो फॉर्म में आता है, गैस के फॉर्म में क्लोरीन टर्नर आता है। और ये याद रखें, जहाँ अपना क्लोरीन वो अपना रूम हो उसके सामने एक क्लोरीन को डिफ्यूज़ करने के लिए एक टैंक ज़रूर बनाएं, इन केस अगर अपना क्लोरीन लीक करता है कभी टर्नर से तो उसको अपन उधर पानी में डुबा दें तो ये डिसइंफेक्ट हो जाता है। उसके बाद अपना पानी जाएगा नेक्स्ट क्लियर वाटर सम में। क्लियर वाटर सम में स्टोर करते हैं अपन अपना क्लियर वाटर, ट्रीटेड वाटर। ये रेडी टू सप्लाई होता है, आपको जैसी नीड हो आप उसको वैसे सप्लाई कर सकते हैं। ये है दोस्तों क्लियर वाटर सम पूरा, और इसका ये जो चैम्बर दिख रहा है ये है इसका ये आउटलेट है। एंड आपका वो जो ऊपर वो दिख रहा है, वो रोशनी आ रही, वो वहाँ पे उसका इनलेट है। ये एयर रिलीज के लिए दोस्तों ये छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं रोशनी आ रही है, होल्स दिए हैं, ये एयर रिलीजिंग के लिए दिए हैं ताकि इधर अंदर एयर ना बन जाए।